नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में भर्ती मरीजों को अब प्राइवेट लैबों से जांच कराने के लिए डॉक्टरों द्वारा दबाव बनाने का मामला सामने आया है। अस्पताल में एक मरीज जब इलाज के लिए मेडिकल आया तो डॉक्टरों ने उसे बाहर से जाँच कराने के लिए कहा। प्राइवेट लैब से जांच कराने के बाद जब सामाजिक संस्था मोक्ष के लोगों को पता चली तो उन्होंने प्राइवेट लैब के एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सामाजिक संस्था के लोगों का कहना है कि शासकीय मेडिकल अस्पताल में जब जांच की पूरी सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन डॉक्टर अपने निजी स्वार्थ के लिए मरीजों को प्राइवेट लैब भेजकर जांच करवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज। उनको नाक से ब्लड आ रहा था तो डॉक्टर साहब को चेक करवा दो। डॉक्टर साहब ने जांचें लिखी, जांचें लिखने के बाद उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, बाहर चले जाइए, वहाँ पे इसमें जो तीन चार जांचें हैं वो यहाँ होंगी नहीं, आप बाहर जाइए, बाहर राहुल सर मिलेंगे, वो करेंगे ये जांच। लगभग सालों से ये घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी एक घटना सामने आई, करीब चार दिन पहले एक बुजुर्ग महिला ने मुझसे कुछ मदद मांगी थी टेस्ट के नाम पर, वो मेडिकल में इलाज करा रही है, मैंने उसकी मदद की आर्थिक रूप से। कल फिर मुझे एक तिवारी परिवार है, उन्होंने बताया कि उनको कुछ पैसे की आवश्यकता है और क्योंकि उनका बच्चा है वो प्राइवेट काम करता है तो टेस्ट के लिए उनको सलाह दी कि मेडिकल में ही इलाज कराएं। मैं सबको मेडिकल में ही सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने की सलाह देता हूँ। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ प्राइवेट आदमी है जो लैब के पैसे इनसे ले रहा है, जो पैसे मैंने इनको दिए तिवारी जी के परिवार को और उनने उनको दिए। जब वहाँ पर पता चला, तिवारी जी से मैंने कहा कि आपने सरकारी अस्पताल में रह के प्राइवेट टेस्ट क्यों कराए, तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ के ड्यूटी डॉक्टर ने ही उनको कहा और ये उनके आदमी हैं। और जब उस आदमी को पकड़ा गया, इसको जो टेस्ट कराता है पैथोलॉजी के, तो उसको पकड़ा तो बाकी लोग भाग गए। उनका ये कहना था कि हमको यहाँ पर हमको टेस्ट करने हम आते हैं और हमको बुलाया जाता है। इस बात की शिकायत अधीक्षक साहब को भी की थी, वर्तमान में हम थाने में कर रहे हैं।